बिसम रहीम वालेकुम दोस्तों वेलकम टू माय किचन दिस इज़ मी शुमाइला और यह है आपका अपना चैनल तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी जो कि हम बनाएंगे बचे हुए चावलों से अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में दाल बने या कोई सब्ज़ी बने तो साथ में हम चावल भी बॉयल करवा लेते हैं क्योंकि हमें वो अच्छे लगते हैं फ़्रेश बने हुए और अगर कभी वो बच जाएँ तो वो हमारे फ्रिज में पड़े रह जाते हैं पड़े हुए चावल कोई भी खाना पसंद नहीं करता तो आज मैं बचे हुए रात के बचे हुए चावलों से आपको एक मज़ेदार सी रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ बिल्कुल पीज़े की तरह जो कि आपके घर में बड़े बच्चे सब शौक़ से खाएंगे तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए एक बाउल में मैंने चावल ले लिए हैं बचे हुए और दो मीडियम साइज़ के आलू को मैंने बॉयल करके ग्रेट कर लिया है और धनिया डालूंगी इसमें मैं और ये है थ्री टेबल स्पून सूजी ये है हरी मिर्चें तीन से चार अदद जो कि मैंने बारीक काट ली हैं और एक एक इसमें जाएगा अंडा तो चलिए ले लेते हैं एक मिक्सिंग बॉल मिक्सिंग बॉल में डालती हूँ मैं चावल ये चावल ज़्यादा पुराने नहीं हैं सुबह ही बने थे तो इसलिए मैंने इन, इनको ऑयलिंग करना मुनासिब नहीं समझा अगर ये ज़्यादा जुड़े हुए होते तो फिर इनकी ऑयलिंग कर लेते तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पटेटो जो कि मैंने ग्रेट किया है बॉयल करने के बाद और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया जिसको मैंने अच्छी तरह धोने के बाद चॉप किया है धनिए में बहुत ज़्यादा मट्टी होती है इसको दो से तीन बार ज़रूर धो लिया करें और यह हरी मिर्चें जो कि मैंने बारीक काटी हैं और थ्री टेबल भर के इसमें जा रही है सूजी तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप हरी मिर्चों को अवॉइड कीजिए स्किप कर दें और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ पाउडर मसाले सबसे पहले है नमक जायका इसमें हंसवा जायका और हाफ़ टी स्पून इसमें जा रही है ब्लैक पेपर पाउडर और चिली फ्लेक्स डाले हैं हाफ़ टी स्पून और ये है चिकन पाउडर जो कि मुकम्मल ऑप्शनल है अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ज़रूर डालें और ये है अंडा आ, मैंने इसमें सूजी इसलिए डाली है ताकि वो इन सब चीज़ों को बाइंड bind करे बाइंडिंग एजेंट के तौर पे डाली है और जो अंडा है वो मैंने डाला है इसके फ़्लेवर को एनहांस करने के लिए बिल्कुल फ़्लेवर जो है वो इसका एकदम फ्रेश होगा वैसे तो अंडा भी बाइंडिंग का काम करता है लेकिन मुझे ऐसे लगा कि सूजी की भी ज़रूरत रहेगी इस रेसिपी में तो मैंने डाल दी तो आप भी ऐसे ही फॉलो करते हुए रेसिपी बनाएं और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और देखें कि मैंने किस तरह बचे हुए चावलों से पिज़्ज़ा बनाया तो इन सब को मैंने हाथ से भी मिक्स किया हाथ से मिक्स करने के बाद ये देखिए कैसा टाइट सा बैटर बन गया है बिल्कुल भी फ्लूड ही नहीं है तो अब इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे तो मैंने रखा है चूल्हे पे पैन और जो हमारी फ्लेम है वो थ्रू आउट लो ही रहेगी जिसे दम वाला फ्लेम कहते हैं तो थोड़ा सा डाल लेते हैं ऑयल वन टेबल स्पून के बराबर और उसको मैंने फैला लिया है पूरे पैन में और अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ वो बैटर जो हमने अभी बनाया है बचे हुए चावलों से तो इसी फ्लेम पे ही मैं अब इस बैटर को सारा पैन में फैला लेती हूँ जैसे पिज़्ज़ा डो होता है बिल्कुल इवन और एक और अहम बात कि अगर आपके पास घर में कोई भी वेजिटेबल अवेलेबल हो कोई भी शिमला मिर्च हो गाजर हो बंद गोभी हो कोई भी हो मेरे पास पटेटोज़ अवेलेबल थे तो मैंने उनका इस्तेमाल किया है आपके पास घर में कोई भी सब्ज़ी अवेलेबल हो तो वो आप इसमें डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं प्याज डालने से इसका फ़्लेवर और भी निखर के सामने आएगा तो हमने इसको अपने बैटर को सारा पैन में इवन कर दिया है तो अब इसको लगा देते हैं लिड पाँच से सात मिनट इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे तो पाँच से सात मिनट के बाद खोल के देखते हैं ये देखिए और ये देखें कितनी स्टीम निकली है और ये देखिए ये थोड़ा सा श्रिंक भी हो गया है देखें और साइडों से जो है वो ब्राउन ब्राउन भी इसकी लुक आ गई है और ये पैन में मूव भी हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये नीचे से प्रॉपरली कुड हो गया है अब हम इसके साथ एक काम और करेंगे अगर अब हम इसको फ्लिप करना चाह रहे हैं अगर हम इसको ऐसे ही चम्मच से फ़्लिप करते हैं तो ख़तरा है कि ये टूट ना जाए तो हम एक प्लेट की मदद से इसको कर लेते हैं फ्लिप तो ये देखिए लो फ्लेम पे पकाने से देखें कितना अच्छे तरीके से गोल्डन प्यारा सा कलर आ गया है इसका तो अब मैं दोबारा पैन में वन टेबल स्पून डाल लेती हूँ ऑयल और ऑयल को ब्रश की मदद से फैला देती हूँ और अब हम अपने प्लेट वाले डो को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको इस साइड से पकने देंगे अब हमने इसके ऊपर लिड नहीं लगानी अब हम इसके साथ एक और काम करेंगे अब हम इसको पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं तो अब हम सबसे पहले जो है लगा लेते हैं इसके ऊपर सॉस मैं यूज़ कर रही हूँ शेज़वान सॉस और आपके घर में शेजवान सॉस हो तो वेल एंड गुड अगर ना भी हो तो फिर आप जो है केचप लगा सकते हैं मेयोनीज लगा सकते हैं कोई मिंट की चटनी हो तो वो भी लगा सकते हैं बस कुछ भी लगा लें तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपने शेजवान सॉस ही लगानी है जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ करें तो अब मैंने लिया है चैटर चीज़ का ब्लॉक और मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ इसके ऊपर वेदर की वजह से ये थोड़ा सा हार्ड हुआ हुआ है तो चलिए मैं ज़रा इसको ग्रेट कर लूँ फिर मिलती हूँ आपसे तो ये देखिए ये मैंने इसको ग्रेट कर दिया है अब हम इसको कुछ टॉपिंग से सजा लेते हैं तो मैं इसके ऊपर सबसे पहले लगा रही हूँ ऑलिव्स तो मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स अवेलेबल थे तो मैं वो इसमें यूज़ कर रही हूँ आपके पास ग्रीन हो तो आप ग्रीन यूज़ कर लें या दोनों भी यूज़ कर सकते हैं और अगर दोनों में से कोई ना भी हो तब भी कोई इशू नहीं है आप ये ना भी डालें स्वीट कॉर्न आपके आपके पास अवेलेबल हों आप वो डाल लें और मैं अब इसके ऊपर लगा रही हूँ छोटे छोटे स्लाइसिस प्याज के जिनका क्रंच मुंह में बहुत ही अच्छा लगने वाला है और मेरे पास कैरेट थी तो मैंने उसके राउंड राउंड से स्लाइस काटे हैं और मैं कैरेट को भी ऊपर डेकोरेट कर देती हूँ शिमला मिर्च हो तो आप शिमला मिर्च से भी इसको सजा लें टमाटर भी रख सकते हैं ऊपर ज़रूरी नहीं कि आपने इस तरह सजाना है आप जिस तरह भी रफली सा बनाएं लेकिन आप बचे हुए चावलों को यूटिलाइज ज़रूर कीजिए ज़ाया मत होने दें और ये चावल भी हमारे यूज़ हो जाएंगे और एक नई चीज़ भी खाने को मिल जाएगी तो इसके तो डबल फ़ायदे हुए ना तो ये देखिए मैंने इसको सजा लिया है अब मैं क्या कर रही हूँ अब मैंने लिए हैं टू स्लाइस मोजरेला चीज़ के तो वो मैं इस तरह तोड़ फोड़ के ऊपर रफली सा रख देती हूँ क्योंकि चीज़ ने तो मेल्ट ही हो जाना है ना तो ज़्यादा चीज़ डालने से ये होगा कि प्योर पिज़्ज़ा का फ्लेवर आएगा हमारे मुंह में जब ये हम इसको खाएँगे तो मेरे चैनल पे तिक्का पिज़्ज़ा भी अवेलेबल है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी भी अवेलेबल है मैं उसका बटन आ, मैं उसका लिंक सॉरी मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगी तो आप उसको भी ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए ये देखिए ये इसको चीज़ रखने के बाद मैंने इसको कर लिया है पाँच से छः मिनट के लिए बंद और अब मैंने लीड हटाई है तो देखिए चीज़ कितने अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है और अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में तो आप आपने ऐसा करना है कि इसको प्रॉपर ठंडा होने के बाद प्लेट से निकालना है मैंने गरम गरम ही निकाला तो थोड़ा सा साइड से डैमेज हो गया तो बस आपने ठंडा होने के बाद ही प्लेट से निकालना है ताकि कहीं से भी ख़राब ना हो तो अब पिज़्ज़ा कटर के साथ मैं इसके पीस कर लेती हूँ तो ये देखिए कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये आपने बचे हुए चावलों से बनाई है रेसिपी आप जिसके सामने भी लेकर जाएंगे वो हैरान कौन हो के खाएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने कैसी बनाई क्योंकि कोई भी नहीं पहचान सकता कि हमने इसमें रात के बचे हुए चावल इस्तेमाल किए हैं तो आप भी इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी मेरी एफर्ट अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें अपने फ़ैमिली एंड फ्रेंड्स में तो ये देखिए मैं आपको खा के दिखाती हूँ ये देखिए कहीं से भी ओवर कुक नहीं है ये प्रॉपरली कुड है हमने वैसे भी आलू वगैरह बॉईल करके लिए थे तो इसमें कच्चेपन की कोई भी गुंजाइश नहीं है तो ये बहुत ही मज़ेदार है आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए और मुझे अपना प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर दिया कीजिए तो ये है मेरी रेसिपी ये देखें जी क्या तो लग रही है माशाल्लाह एकदम मस्त तो चलिए चलती हूँ अल्लाह तला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ दीन और दुनिया की खुशियाँ फरमाए तो कल फिर मिलेंगे किसी और अच्छी रेसिपी के साथ टिल टेल्दन अल्लाह हाफिज़